जनपद सोनभद्र आज दिनांक 18/1/2022 को रेणु कुटसुवा पार्क स्थित माइंड डेवलपमेंट सेंटर का एक वर्ष पूरा हो जाने एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता 3 का पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए इस प्रतियोगिता को 2 माह तक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 67 बच्चों ने भाग लिया। इस ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रज्ञा सिंहवाल, द्वितीय स्थान पर आलोक शर्मा एवं तृतीय स्थान पर मीनाक्षी झा रहे। साथ ही साथ चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें स्थान पर आए सभी प्रतियोगियों को भी 57 पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 23 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में सफल सभी प्रतिभागियों को माइंड डेवलपमेंट सेंटर पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड सर्टिफिकेट व मेडल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही चौथे, पांचवें, छठे, सातवें एवं आठवें स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत एवं सम्मानित करते हुए संस्थान की ओर से हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम में माइंड डेवलपमेंट सेंटर के पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी, डायरेक्टर मुकेश झा, डायरेक्टर अमरेश कुमार सिंह, टेक्निकल मैनेजर ऋषि झा, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर और पूजा तिवारी कोऑर्डिनेटर के साथ बच्चों के माता पिता कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों और अभिभावकों का चेहरा खुशी से लबरेज था। लोगों का कहना था, इस तरह के ज्ञानवर्धक आयोजनों से बच्चे वीडियो गेम से दूर होकर स्वस्थ जीवन का निर्वहन करेंगे। आज के सामाजिक परिवेश में ऐसा हो गया है कि हमारे बच्चे खाते हैं सब्जी और खेलते हैं पबजी। ऐसे में आने वाले नस्लों का भगवान ही मालिक होगा। ऐसी समस्या को समाज से दूर करने के लिए माइंड डेवलपमेंट सेंटर एक सराहनीय अलख जगाए हुए हैं। आज भारत समाचार से ब्यूरो चीफ कृष्णा उपाध्याय के संग डीके सिंह की खास रिपोर्ट।